भागवत कथा सुनने से कुण-कुण से जीवा की मुक्ति हो सके, ज्ञान वैराग्य की भक्ति की कथा के बाद में यो एक प्रसन्न आयो की भागवत कथा सुनने से कुण-कुण से जीवा की मुक्ति हो सके है। गोकर्ण उपाख्यान के कथा के माध्यम से भी को भी कथा में विस्तार से वर्णन आयो सुजी महाराज बा सनकादिक ऋषियां ने सुना रहा है। बंधुओं, तुम भद्रा नदी के किनारे एक विप्र हो, ब्राह्मण आत्मदेव नाम हो, बिके संतान नहीं है, वो बड़ो दुखी हो, बिके कोई प्रकार की कमी नहीं है वैभव की दंदौलत की, लेकिन बिके संतान नहीं है, वो दुखी हो। एक दिन वो दुखी होकर जंगल में गयो आत्महत्या करने के लिए कि मेरे कन सब कुछ है लेकिन मेरे कन पुत्र नहीं है, मेरे कन संतान नहीं है। जंगल में वो मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए गयो, जंगल में भी एक संत मिला। भागवत कथा सुनने से कुण-कुण से जीवा की मुक्ति हुए है, भी को प्रसंग भी की बात ये प्रसंग से अपन सुनने समझने प्राप्त हो रही है। विप्र देवता ने संत का दर्शन होया, बस संत जन विप्र देवता ने दुखी देखकर पूछो रखी, ब्राह्मण देवता दुखी क्यों है, खटे जा रहे हो? महाराज, मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रही हूं, क्यों? मेरे संतान नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, इस समय दुखी होकर आत्महत्या कर रही हूं, रे मूर्ख। बस संत बोलिया विप्र देवता ने कि इतनी मूर्खता नादानी तू क्यों कर रही है, वो मनुष्य जीवन कोई संतान के लिए ही उत्पन्न थोड़ी हुए कि अपन संतान ही पैदा करनी है, भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान की भजन के लिए है, तू क्यों दुखी हो रहे है? संतान नहीं है तो भी तन दुखी नहीं हो रहे, यार तू आत्महत्या कर रही हो तो महापाप है, खूब बिन समझायो, लेकिन भी विप्र देवता के समझ में को नहीं आई। नहीं महाराज, थे कितो ही ज्ञान देओ, कितो ही मन समझाओ, लेकिन मन तो पुत्र चाहे पुत्र नहीं प्राप्त हुआ को तू मत मरूं। खूब समझाने के बाद में भी के कुछ समझ में नहीं आवे। संत बोले विप्र नहर की तू वापिस घर चल जायो, काम मत कर, कि नहीं। संत बोले तेरे भाग्य में है ही नहीं संतान, मेरे भाग्य में नहीं है, तो प्रभु आप संत हो, आप भाग्य भी पलट सको हो, आप आशीर्वाद दे, संत हुए। संत के मन में हृदय में वात्सल्य जागृत हुई और वह संत एक दिन फल देवे कि वो फल ले जा और तेरी पत्नी ने खिलाई, तेरे संतान भी हो जैसी, वो घर आवे है, घर आकर वो फल आपकी पत्नी ने देवे, साधु को आशीर्वाद है तू पत्नी फल ने खाए, तेरे संतान होगी, वह पत्नी भी फल ने खावे कोनी, या सोचकर कि मैं इन्हें खा लूंगी तो मेरे गर्भ ठहर जागो, 9 महीना मन गर्भ पेट में राखनो पड़ेगो, मैं कितनी दुखी होंगी, मैं कितनी परेशान होंगी, मन बच्चन जन्म देनो पड़ेगो, मेरे कितनी पीड़ा होगी, तमाम प्रकार की बातें सोचकर वह फल कौन खावे, बिकी भाण भी के कहना आ जावे, बाबी भी की बात सुनकर बिना आई बोले कि नहीं तू रहन दे, मत खा, तेरे इतनी ज्यादा मन में है तो मेरे बच्चों होनालो है, वो मैं तन दे देसूं और वो फल तू गाय ने खिला दे और तू झूठ मूठ को नाटक कर ले कि मेरे गर्भ फैर गो, वो फल भी गाय गा माँ के घर में गोमाता रहे बिन खिला दे वे और बा झूठ मूठ को नाटक कर ले कि मेरे गर्भ फैर गो, यथा समय पर भी की बहन के वो पुत्र हुए, वो पुत्र भी बहन ने बा ला देवे और बा बोले कि मेरे पुत्र हुगो, वे पिता बड़ा प्रसन्न हुए, बन मालूम को नहीं हुए आत्मदेव जो है बन पतो कौन रहे किया, मेरी पत्नी धुंधली है, इको ही पुत्र है, और लंबी कथा है, एक दिन वो जो पुत्र बा के उत्पन्न हुए है और दूसरी तरफ गोमाता ने जो वो फल खिलायो, वह गोमाता के भी बछड़ो हुए है, भी बछड़े को नाम गोकर्ण निकाला है और वो पुत्र जो बहन को लेकर आई है भी को धुंधकारी नाम निकाला है, और वो धुंधकारी एक दिन बड़ो दुराचारी हो जावे है, शराबी कबाबी हो जावे है, और दूसरी तरफ गोमाता को जो वो बछड़ो है मानव को रूप लेवे, वो गोकर्ण जी अब बड़ा विद्वान ज्ञानी भक्त हुए, समय के प्रभाव से वह धुंधली और आत्मदेव आपके पुत्र धुंधकारी से पीड़ित होकर घर से निकल जावे, दोनों की मृत्यु हो जावे और वो पुत्र
बड़ो वे बिचारी हो जावे, शराबी कबाबी वे सेवा ने घर में गाल लेवे, चोरी करे है, अत्याचारी अन्याय करे है, और बा आपकी वे सेवा की कामना की पूर्ति के लिए वो एक दिन नगरी के राजा के राज्य से चोरी कर ले, महल में से चोरी करके सामान लिया हुए, बावे सेवा ने पतो चाले की वो धुंधकारी तो चोरी करके ले आयो है राजा की, पर डरे की चोर वो पकड़े जागो, राजा सजा देवेगो, आपने भी सजा प्राप्त होगी, और बे पत्नियां भी की भी दोनों ने दोनों मिलकर भी धुंधकारी ने अकाल मूर्त मार देवे। इतो वो दुराचारी पुत्र जो है बिकी कितनी दुर्दशा हुए, मृत्यु के बाद भी की अंतिम क्रिया भी विधि विधान से संपादित कोनी हुए, और वो प्रेत योनि में जावे। दूसरी तरफ का माता पिता की मृत्यु जंगल में हो जावे, भाई जो गोकर्ण हो बिने तीर्थ यात्रा में पतो चाले है कि मेरो जो भाई हो धुंधकारी बिकी भी अकाल मृत्यु होगी, तो वो गया जी में भी का श्राद्ध करे है, अंतिम क्रिया करे है, श्रद्धांजलि करे है, तर्पण करे है, सब कुछ करे है, और लंबे समय के बाद वो गोकर्ण जो को भाई है वो एक दिन वापिस आपके भी घर में आवे है, वो घर सुनो है, रात ने रुक रियो है, अनेक प्रकार की आवाज भी गोकर्ण ने सुन रही है भी प्रेत की। गोकर्ण देखकर आश्चर्यचकित हुए कि आवाज की आ रही है, बिन आवाज मिले कि मैं अंधकारी हूं तेरो भाई, मेरी मृत्यु होगी लेकिन मैं प्रेत योनि में हूं, मेरो मोक्ष को नहीं हो। गोकर्ण जी बोले मैं तेरा गया जी में श्राद्ध करया, तर्पण करया और सब कुछ क्रियाक्रम करया भी के बाद में भी तेरी मुक्ति कया को नहीं हुई, फिर भी तू प्रेत योनि में है, मैं फिर भी प्रेत योनि। गोकर्ण जी बोले प्रातः सूर्य भगवान ने प्रार्थना कर मैं पूछूंगो कि तेरी प्रेत योनि में तेरी मुक्ति कया हो, तू कुछ रुख। सुबह प्रातः गोकर्ण जी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कर प्रार्थना करे कि प्रभु अयाल को कामी दुराचारी मेरो भाई धुंधकारी हो, जगह की अकाल मृत्यु हुई वो शराबी हो कबाबी हो वे बिचारी हो, बिकी मुक्ति नहीं हुई वो प्रेत योनि में, के करो जावे जगह से बिकी मुक्ति हुआ। गोकर्ण जी ने बैठे आकाशवाणी के द्वारा भगवान सूर्य नारायण के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ बंधुओं कि अयाल की प्रेत योनि में कोई जीव है कोई व्यक्ति है, तो बिन भागवत कथा सुनाओ भी भागवत कथा सुनाने से प्रेत योनि में जो है भी की मुक्ति हुएगी। बड़ो दुर्भाग्य है बंधुओं, आ बात मैं नहीं बोल रही हूं, मन ज्ञान भी नहीं है, मन जानकारी भी नहीं है, वेद व्यास जी के द्वारा यो रचित ग्रंथ जो है अमूल्य है, ज्ञानवान है, सृष्टि को सार है, यो परमात्मा है, साक्षात भगवान को विग्रह है, भगवान ही है। इस ग्रंथ में यह बात लिखेड़ी है कि कोई व्यक्ति प्रेत योनि में भी है, बिन भी अगर भागवत कथा सुनाई जावे तो भी की मुक्ति हुए। अरे बंधुओं आपा तो मनुष्य योनि महा, आपा भागवत कथा सुन लेंगा तो अपन के प्राप्त हो जागो कदे कल्पना तो करो, लेकिन दुर्भाग्य यो ही है कि फिर भी आपा बैठे भी वे विचारणी भक्ति महा, भागवत कथा कर रहा हाँ, भागवत कथा सुन रहा हाँ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ई व्यापार से बरेड़े धर्म में और धर्म पर पूरो व्यापार को और धंधे को चंगुल सज कैसा आप फंस रहा हाँ, भी मैं ई भागवत कथा ने भी आप व्यापार तंत्र के रूप में बढ़ा दी हाँ, कमाई को धंधो बना दियो हाँ, मान प्रतिष्ठा को आप रूप दे दियो हाँ, कुछ अर्थ पाने को आप इसे भाव जोड़ दिया हाँ। एक तरफ तो अयाल की बात है कि भागवत कथा सुनने से करने से प्रेत की भी मुक्ति वह बंधुओं, सोचो कुण सो घर है आज अयाल को जगह के मायने वो धुंधकारी कोनी, हर घर में कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो चाहे बच्चों, वो
दुराचारी है भी घर में, जुआ खेलने वाला भी घर में मिल जासी, नशा करने वाला भी घर में मिल जासी, और गलत काम करने वाला भी घर में मिल जासी। बे दुराचारी, नशेड़ी, जुआरी, शराबी, कबाबी है, जका जीवता भी प्रेत है और वे मरने के बाद भी प्रेत है, और वे भी घर को सत्यानाश करेगा कि नहीं करेगा, निश्चित करेगा। अठे तो यो प्रेत मरकर परेशान हो रियो है, अठे तो गली गली में, गांव गांव में, घर घर में जीवता ही प्रेत घूम रहा है। दोपहरी में 12 बजे भी हलाल शराब के नशे के माने डोलता डोलता फिर रहा है, वे प्रेत ही तो है। अरे बे कोई घर में भी तो है। बयाल के जीवा की मुक्ति ये भागवत कथा से हुए, आ बात आप सुन रहे हैं।